Good morning students, firstly welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have solved some question answers of EVS class 4 chapter 10. The name of the chapter is Hututu Hututu. Now in this video, we will solve the remaining question answers of the same chapter. Good morning students, सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube channel में स्वागत है. इससे पिछली वीडियो में हमने EVS क्लास फोर्थ का चैप्टर 10 जिसका नाम हुतुतु है इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन किया था. आज के इस वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे. सो द सिस्टर्स हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी डी बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन. तो इससे पिछली वीडियो में हमने जिन तीन बहनों की बात की थी उनके बारे में बताया गया है कि उन तीनों बहनों ने कबड्डी के लिए अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया मगर फिर भी उन्होंने अपना यह खेल नहीं छोड़ा. हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकेम अ कबड्डी कोच. हीरा जो कि सबसे छोटी सिस्टर है तीनों बहनों में बिकेम अ कबड्डी कोच, कबड्डी की कोच बनी. शी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले Many games, specially कबड्डी. She wishes, वो कहें चाहती हैं the children like you should enjoy. वो चाहती हैं कि जो बच्चे हैं वो पसंद करें. You should enjoy and play many games. क्या करें, बहुत सारे जो गेम हैं उनको उसको enjoy करना चाहिए और पसंद करना चाहिए, specially कबड्डी और खासतौर पर कबड्डी को. सो देर आर टू क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन इज हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच विच वन. इसमें बोला गया क्या तुमने कोई खेल कभी किसी कोच से सीखा है. तो स्पेशली बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जिनको हम कोच से सीखने की जरूरत है. लाइक मैंने यहां पे क्रिकेट लिखा है, आप और भी कुछ लिख सकते हैं जैसे बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल, कबड्डी भी लिख सकते हैं, खो खो भी लिख सकते हैं, एज यू विश, जैसा कि आप इसमें लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं. डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच. अभी इसमें हमें इसमें यह बताना है कि आप किसी ऐसे उसको किसी आदमी को जानते हैं जिसने कोई किसी से कोच से गेम सीखा है, तो आप इसमें कर देंगे. जैसे मैंने किया, माई फ्रेंड इज लर्निंग जूडो, मेरा जो दोस्त है वो क्या कर रहा है, जूडो सीख रहा है. तो आप इसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपका कोई दोस्त कोई गेम सीख रहा है तो आप उसको यहां मेंशन कर सकते हैं. नाउ यहां पर क्या डिस्कस, ये हमें डिस्कस करने हैं, हाउ डज अ कोच टीच, एक कोच कैसे टीच करता है, कैसे सिखाता है. हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस, प्लेयर की प्रैक्टिस कैसे कराता है. हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क, और उस दौरान जो प्लेयर्स होते हैं वो कितना हार्ड वर्क करते हैं. हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम. इसमें क्या कभी आपने ऐसा, आपके मन में ऐसा विचार है कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप एक क्लब क्लब बनाए अपने किसका फेवरेट गेम का. इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खोखो. ये बोल रहे हैं कि आप कल्पना कीजिए कि 15 बच्चे हैं जो खोखो खेल रहे हैं. दे मस्ट फॉर्म टू टीम्स विथ इक्वल नंबर, उन दो टीम्स बनाई हैं इक्वल इक्वल नंबर के, 7 each, जिसमें ये सात प्लेयर होंगे दोनों टीमों में. देन वन प्लेयर विल बी लेफ्ट और एक प्लेयर बच जाएगा. वट विल यू डू इफ दिस हैपेंस, तो आप क्या करेंगे अगर ये परिस्थिति आपके साथ होगी और एक फ्रेंड बच जाएगा. हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल, तो क्या तुम्हें बीच में एक एक्स्ट्रा पर्सन रखना चाहिए. राइट अबाउट दिस, इसके बारे में लिखिए. आपने सारे डिस्कस करने हैं, आपने इनके बारे में सोचना है, तो या तो आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में डिस्कस करना है या अपने पेरेंट्स इसके बारे में डिस्कस करना है कि ऐसा होगा तो क्या होगा. एवरी गेम हैज सम रूल्स, हर एक के खेल के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं. द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, जो गेम होता है वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग खेला जाता है. लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ द रूल्स आर चेंज्ड. क्या होगा सोचिए, अगर क्या होगा अगर रूल्स चेंज हो गए. फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट ए बैट्समैन गेट्स आउट इफ द बॉल्स फॉल ऑफ द स्टंप्स. इमेजिन इफ देयर इज अ रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट इफ ऑल द 3 स्टंप्स फॉल, वुड इट बी फन. तो इसमें बोला गया है कि कभी भी क्रिकेट में ऐसा होता है कि जब बॉल क्रिकेट बॉल स्टंप से टकराती है तो जो बैट्समैन होता है वो आउट हो जाता है. तो इसमें बोला गया अगर बॉल तीनों स्टंप से टकरा जाए और तीनों स्टंप गिर जाए तो सारी टीम को अगर आउट माना जाए तो क्या होगा. तो ये आपने सोचना है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा. ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल, सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर
अदर गेम्स एंड प्ले. तो इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग आपको गेम्स प्ले करने के लिए बोला गया है, किसी और गेम को देखकर उसके अकॉर्डिंग अपने गेम में रूल बनाने के और उसको खेलने के लिए. तो ये सब एक्टिविटीज आपने खुद करनी है. सो यू कैन डू इट योरसेल्फ और बाय द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड डिस्कस अमंग द ग्रुप ऑफ योर पेरेंट्स एंड द ग्रुप ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अवर टूडेज टॉपिक. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. सो यू कैन राइट डाउन these two question answers in your fair notebook and send me the photos of your solutions. If you have any type of doubt, you can also contact to me. Thank you.